गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज है हेल्थ डे बेबी का और हम लोग कर रहे हैं फटाफट से रूम क्लीन। शबीना और मैं हमने रूम में बेड शीट्स बिछा रहे हैं और बेबी की मालिश हो चुकी है, बेबी नहाई नहाई कर चुका है। बस मेरी टाइम में बात होगी, इसके बाद मैं जाऊँगी। दो छोटे छोटे इसके पिल्लोज भी हैं ना, वो जो अभी रखे थे रखेंगे। चलो बेबी यहाँ लेटा हुआ है। सो गाइस फिर से आज मैंने सिर धोया क्योंकि कल मम्मा ने जो सिर धुलवाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा नीम और वो डाला था जुएन, तो सारी सिर में जुएन जुएन थी, तो इसलिए फिर मम्मी ने बोलता आज फिर से सिर धो लियो। और अब इसके बाद सिर मैं कम से कम एक हफ्ता नहीं दूंगी। तो मैं हेड वॉश कर लिया खुद से और ब्लो ड्रायर से थोड़ा फटाफट ड्राई करके फिर बाल बांधने हैं। मम्मी ने बोला सिर को बिल्कुल ढक के रखना है। अब बेबी सो रहा है, साहिब वॉशरूम गए हैं और यही अपडेट है अभी के लिए। सो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, बहुत सोई। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और यहाँ पर नन्नू भी सोया हुआ है। मेरा नन्नू भी सोया हुआ है तो काफ़ी फ़र्क है मुझे आप लोगों को। मैं अपनी फिगर भी दिखा देती हूँ, थोड़ा पतली हो गई हूँ। सो गाइस बैक इन शेप आने वाली हूँ मैं थोड़े दिन तक और चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस आज मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ ऐसी चीज़ खाने के लिए। आई नो इट्स नॉट सेफ फॉर मी, मतलब इससे अभी जल्दी ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मुझे, बट मैं ये सारा नहीं खाने वाली। ये बना के तो इसने प्लेट दे दिया पर मैं थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगी। मन कर रहा था, बहुत मन कर रहा था। मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस मैं अपनी चप्पल ढूंढ रही थी, मुझे चप्पल ही नहीं मिल रही थी कि चप्पल मेरी कहाँ है। सो बेबी समय उठा हुआ है, 6 टाइम हो रहा है सुबह के 10। चलते हैं बाहर चलते हैं। यहाँ पे हैं साहिब और मैं जा रही हूँ किचन में देखते हैं शबीना क्या बना रही है। शबीना क्या बना रही है तू? ये क्या है? क्या उबल रहा है? वो क्या होता है? उल्लो पता नहीं क्या उबाल रही है ये। ये भी कुछ ना कुछ नया नया बनाती रहती है, तो इसने कुछ इस तरह से ये बना लिया ये। और वो की बॉटल एक बॉयल हो चुकी है और क्या रखा है नीचे? ओ वाह, आज हमारे घर में शबीना बनाएगी छोले। हाँ जी आ रही हूँ आ रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये है बालकनी, यहाँ पर हमारे क्लोथ्स जो है वो ड्राई हो रहे हैं और चलते हैं अंदर। लेट्स गो इनसाइड। सो दिस इज आवर स्वीट होम और यहाँ पे बेबी है, बाकी सब सोए हुए हैं। यहाँ पे सब बहुत लेट लेट उठते हैं। सब लोगों की रूटीन बहुत हुआ है, सब बहुत लेट उठते हैं। और वैसे भी मेरी तो नींद पहले भी प्रेगनेंसी में भी बहुत जल्दी उठ जाती थी, मैं आँख खुली जाती थी, बट क्योंकि मम्मा के वहाँ पर भी मैं जल्दी टाइम से रुकती थी और सुबह सुबह काम करना होता था तो मम्मी भी वहाँ पर उठ जाती हैं जल्दी, तो वहाँ पर सुबह सुबह आप जैसे ही उठती है ना तो सही लगता है मुझे कि वहाँ पर कोई संभालने वाला है। तो ये रहा मेरा गग्गा, ये रहा मेरा गग्गा, ये देखो खेली खेली कर रहा है। और सुबह का उठा हुआ ये 8 o'clock का, तो आई डोंट माइंड। हाँ जी सुन लो गाइस इसकी आवाज़ सुन लो। ओले 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 मेरे बच्चे आ जाओ। तो गाइस जरा मैं इसको उठाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे साथ साथ ये भी उठे हुए हैं आज। और मेरा गुगू तो मेरी गोदी में है, ये देखो इसके हैंड देख लो, इसके हैंड देख लो, इसकी नेल्स देख लो कितने बड़े बड़े हैं। क्या कहना चाहोगे? वैसे इतना भी तंग नहीं करती है ये। 1 घंटा रात को प्रियंका तंग करती है। मैंने कब तंग किया भाई? और अपनी बचपन की बात बताते थे स्कूल टाइम की। ज़्यादा फालतू ना बोलो। मैं इसे बात नहीं कर रही थी ना तो इसलिए कल ये हम ये यही बात कर रहे थे कि मैं इसे क्यों नहीं बात कर रही ठीक से।
सो आज फिर से हम लोग रात तक मेरे को ये छोड़ कर आएंगे मम्मी के घर में, तो मैं वहीं जाऊंगी क्योंकि पूरा दिन मैं घर में अकेली होती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन सा हो जाता है, वहाँ पर फिर सब आते जाते रहते हैं ना, मॉम स्टाफ, तो इसीलिए फिर साथ में होते हैं, फिर इसको मैं अकेला संभाल नहीं पाती हूँ, पूरा दिन ही इसके साथ लगी रहती हूँ, तो फिर इसीलिए मैं आज रात को चली जाऊँगी मम्मी के घर में। शायद मुझे छोड़ कर आएंगे मम्मी के घर आज रात को, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, और ये भी वहीं पर आ जाया करेंगे। I'm happy. साहिब अब इसको संभालेंगे, 5 मिनट के लिए मुझे वॉशरूम जाना है, बड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ गाइस। So, अच्छा है ना हम लोग टाइम से रुक जाते हैं। So, गाइस बज चुके हैं 11, साहिब ने कर लिया नाश्ता, और आज यहाँ सामने दिखा देती हूँ, आज मैं भी मालिश नहीं करवाई हूँ और इसकी भी मालिश मैंने नहीं करवाई है, क्योंकि हम अभी तक आज हम रेस्ट करेंगे और रेस्ट कर नहीं पाए फिलहाल। सो देख सकते हो दिस इज माय रूम, और बोर हो रही हूँ गाइस, क्या करूँ, रेस्ट कर करके भी बंदा बोर हो जाता है। मैं सच्ची में बहुत बोर हो गई हूँ, और बहुत रेस्ट करके भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं और बीमार हो रही हूँ, तो कुछ करते हैं आज। तो बस ये मेरी चप्पलें और ये है साहिब की चप्पल, ये जब बाहर जाता है ये एक नई चप्पल पहन कर आ जाता है, बहुत ही खराब बंदा भाई ये। इसकी सारी कल रात को मैंने जूते निकाले, आज इसकी चप्पल सारी यहाँ रखने वाली हुई। चलो नेक्स्ट लेकर आऊँ, एक चप्पल समझ आती है कि चल एक रख ले, इतनी सारी कौन रखता भाई, है भाई। सो टाइम बज चुके हैं 11, और गाइस मैं सोच रही हूँ कि बेबी सोया हुआ तो मैं भी फटाफट यहाँ आती हूँ। ऐसे मेरे मम्मा ने मना किया था कि एक दिन बाद छोड़ के नहाई हो, बट मुझे है कि मैं फटाफट शावर हल्का सा ले लूँ गर्म गर्म पानी से और फ्रेश फील करूँगी। सो फटाफट ले लेते हैं छोटा सा शावर और उसके बाद मिलते हैं आपको। आज बनाया है इसने, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते क्या है इसको, अच्छा सेमिया टाइप, वेरी अम्मी, बहुत अच्छी बनाई है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी मेरे पास एक लड़की है जो इतना अच्छा खाना बनाती है, मज़ा ही आ गया गाइस। ओए होए होए क्या इसने ये बनाई है, नमकीन सेवियाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ नहाने के लिए, बड़ा मैं नहाने के लिए अभी नहीं जा रही हूँ, पहले मैं ये खाऊँगी फिर पता नहीं क्या करूँगी, फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। सो गाइज आज मैंने कुछ इस तरह से आउटफिट पहना है, ये मेरा काफ़ी पुराना है और ये डेनिम्स जो है वो भी बहुत पुरानी है आ रही मुझे, और कुछ इनर पहन लिया नीचे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, तभी फ़िलहाल के लिए मैंने कुछ इस तरह से आउटफिट वेयर किया है। और टाइम हो रहा है 12:30, मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया जाता है ना गाइज, तो एक्टिव रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक्टिव रहो। और चल रहा है यहाँ पर पार्ट, बाबा जी का पार्ट लगाया हुआ हमने, पाउट अभिषेक, पाउट अभिषेक, सीजन 9 चल रहा है, फुफू आज छुट्टी है, विनीत को बोला फुफड़, वो ये फुफड़ है, कहता मेरे पापा फुलफोर नहीं है, वो मेरा यार सारा लोड़ा से ले मेरे भाई जा रहा है, बोल के खा दे फुफू, ले गया कौन छोड़ गया साहब। हे एवरीवन, सो क्या हाल है आप लोगों का, मैं तो ठीक हूँ, साहिब से भी पूछ लो साहिब कैसे हैं। हेलो गाइस, प्रियंका कहाँ है बेबी, साहिब मुझसे ना, सो गाइस मैं ना कमरे में, इस कमरे में 4 दीवारी में रह रह के पागल हो चुकी हूँ और इरिटेट हो चुकी हूँ, और पूरे दिन अकेली होती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रियंका मेरे से प्यार नहीं करती, वो दिखावा सिर्फ, अगर मैं जिम में जा रहा हूँ बॉडी बना रहा हूँ तो उसको भी पसंद, बस इसको अपनी बॉडी से प्यार है, सबको अपने अपने से प्यार है, और यहाँ पे प्रियंका फुद्दू है, प्रियंका मेरी जान है, ये तो मेरी बॉडी है ना, जो दिल है वो प्रियंका है, इसको चीज समझ नहीं आती, जो दिल धड़क रहा है ना उसमें प्रियंका का नाम ही चल रहा है, बस दिखाओ कहाँ लिखा हुआ, सभी मैं कभी समझ ही नहीं सकती, हाँ नहीं समझ सकती, ये पति के दिमाग में कितनी टेंशन होती है हर चीज को लेके, चलो
मैं क्या बताऊंगी बाकी का। मेरे दिल में अगर प्रियंका के नाम से दिल धड़क रहा ना, और प्रियंका गई ना तो धड़कना बंद हो जाएगा। फिर बाद में मेरे को तब आ नहीं आ सकते, वो घर आपका नहीं है, तू नहीं जाएगी। हाय रब्बा, पूरा चूटिया मार दिया, सारा गुस्सा तो निकाल ही दिया। आई लव यू, आई डोंट लव यू, आई लव यू, आई डोंट लव यू। बट गाइस बताओ, मैं जिम कर रहा हूँ बहुत। क्या जिम 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 लगाई रखी है तूने मेरी जिंदगी। कैसी बॉडी लग रही मेरी, मैं थप्पड़ मार दूंगी मैं तेरे को। हाथ तो भारी है मेरा, कितना भारी है, सांड हो गया तू भी। तेरा पति हूँ ना, सांड होऊंगा ही। तू सांड ही नहीं थी, मैं सांड हो गया। अब तो नहीं हूँ मैं मोटी, वो तो पब्लिक बताएगी। हाँ क्या बताएगी, हमारी फैमिली बताएगी। गाइस बताना मैं मोटी हूँ। गाइस बताओ से, देखो मैं पता है बुरा ना मानना, ना प्रियंका बुरा मानेगी ना मानना, जो रियलिटी में आंसर है वो बताओ, तो प्रियंका मोटी है कि नहीं अभी भी। बहुत बोल रहे हो तुम। लेकिन एक चीज है ना प्रियंका, ये निर्वाणा जाती है सलोन भी है, बट जब भी जाती है उसके जल बालों से फ्रेग्रेंस आती है ना, उसमें इतना बड़ा नशा ना। अब अभी अभी क्या, अभी बदबू आ रही है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। हाँ तो मैंने खुद ही धोया है, मन ही नहीं करता मुंह में बाल आ गए। मैंने खुद धोया है, मन ही नहीं करता इसे तोड़ने का, मन करता इसके बालों से चिपका रहा हूं मैं। पता नहीं निर्वाणा वाले कौन सा शैंपू लगाते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने खुद धोया है। शैंपू लगाते हैं, आई डोंट नो, इसके बालों से अच्छी फ्रेग्रेंस आती है ना, कि बंदा कहता है बस जिंदगी जन्नत है। चाहे ये मैंने खुद धोया, तो निर्वाणा शैंपू लेके आई थी ना। नहीं शैंपू मेरा है, शैंपू मेरा है। उल्टा उल्टा मेरे बच्चे के बालों से फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी आ रही है। अभी बच्चा गया हुआ मम्मी के रूम में, दादी के रूम में, उसको लेके आऊँ, उसके बालों से मम्मी के और बेटी के दोनों के बालों से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है ना, मन करता है सूंघता रहूं बस। जिया धड़क धड़क जाए। कहाँ जा रहे हो? बच्ची को लेने। पता नहीं। तो गाइस कल मैं जा रही हूँ मम्मी के घर में, अब ये जाने नहीं दे रहे मेरे को, पर मैं अब बोर हो चुकी हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन अकेले संभाल रही हूँ उसको, इरिटेट हो जाती हूँ, फिर एक डिप्रेशन सा हो गया मुझे बिल्कुल, पूरा दिन सुबह से रात, रात से दिन वही करी को घर पे बुलाऊंगी। थोड़ी सी मेरे यहाँ पर हेयर जो है वो ट्रीटमेंट करवाना है, दो तीन चीज़ें हैं जो करवानी है, और मिलते हैं आपको दोबारा, साहेब आ जाते हैं फिर इनसे पंगे लूँगी बहुत ज़्यादा, आने दो। देखो जी देखो कौन आया, स्नेहा मासी है, ऋषि मासी। माची आ गई मिलने, आ गई, वो भीष हो गई है तो। तो अभी इसको हंस रही है, दीदी हंस रही है, वही तो इसको अभी नीचे डालेगी ना फिर उठ जाएगी, हंस रही है ना। तो लिखा नहीं, लिख तो देते अभी, लिख दूं? हाँ और क्या। लाई तो तू है, नहीं लाई तो तू है, शिंगरीला से केक लेकर आई है। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। खाई जा रही है, खाई जा रही है, बेबी उठा हुआ है। मैंने एक बाइट भी नहीं खाई मैंने प्लेट उठाई, प्लेट उठाई। ये बोल रहे बेबी, बोल रहे मुझे स्नेहा मासी उठाए, उठा लो, आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, आ उसको भूख लगाई, देखो केक खाने के लिए। अरे हाँ ये मैंने वीडियो देखी थी, देखो ये चीज इसको नुकसान, ये तो बहुत सॉफ्ट है और ये धो भी सकते हो। ये मैंने वीडियो देखी है, तो बहुत सुंदर है। हाँ ये चीज ना यूज वाली चीज है ना, यूज हो जाएंगे, ये तो वाकई बड़ी अच्छी चीज है। और ये बास्केट में हमारे बेबी का सारा सामान जाएगा जी, थैंक यू। हाँ ये बेड के साइड में रखो, इसके अंदर सब डाल के रखो, ऑयल वगैरह हर चीज, इससे जो मन करे वो। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वैसे ये हो क्या रहा है, बस आप लोग आए हो वही बहुत बड़ी बात है, बहुत है। ये कुछ भी नहीं है, किसी को भी थोड़ नहीं है।
गाइस ये व्लॉग्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी मेमोरीज मेरी क्रिएट हो रही हैं, जो मेरे घर आ रहे हैं मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, जब जब सब बड़े, जब गुड़िया बड़ी हो जाएगी, डॉल बड़ी हो जाएगी मेरी देखेगी तो कितनी खुश होएगी कि हमारे घर कौन कौन आया था इसको ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो या थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपको व्लॉग मेरे सारे अच्छे लग रहे हों। सॉरी मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मैं काफ़ी बीमार थी, मैं ठीक नहीं फील कर रही थी। सो होप करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना एंड शेयर ज़रूर करना। एंड गाइज लव यू सो मच।